सुमित जी, आपने उत्तर प्रदेश का भी अभी जिक्र किया। मैं उत्तर प्रदेश में इस समय बैठा हूँ, सिद्धार्थ नगर जिले में डुमरियागंज। इसी क्षेत्र से नवाब मलिक जी आते हैं। सुबह से यहाँ पर भी वही चर्चा हो रही है टीवी के माध्यम से, जो घटना इस समय मुंबई में घट रही है। लोग निराश हैं, लोग हैरान हैं कि सरकारें अभी तक आपसी मतभेद हो सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी की गई है, लोग यहाँ भी निराश हैं। कल आदित्य ठाकरे जी की यहाँ सभा है, पहली बार ठाकरे परिवार का नेता उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर सभा करने आ रहा है। हम सब यहाँ तैयारी में लगे हैं, लेकिन यह जो दुर्दैवी घटना वहां घटी है, इससे सब निराश हैं कि किस प्रकार केंद्र की जांच एजेंसियां गैर फायदा उठा रही हैं, एनसीबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी। तो आप इसमें उद्धव ठाकरे साहब का आप क्या रोल इसमें कर रहे हैं? आप एक बात बताइए कि जो उद्धव ठाकरे जी, अरे इस्तीफा तो ले सकते हैं ना आनंद बे, नवाब मलिक साहब का इस्तीफा तो ले सकते हैं, नैतिकता होनी चाहिए कि नहीं राजनीति में? मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही होनी कि नहीं चाहिए, हिम्मत मैं वही कह रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि मैं वही, अब एक मिनट राम भाई, दो मिनट रुक जाइए खाली, जल्दी से देखिए। अब मामला जुडिशरी है, मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी आप ही बता रहे थे कि थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि बेल हो जाती है कि जेल हो जाती है, क्या हो जाता है। अभी केवल उनको गिरफ्तार किया है। आप कोई बड़ी एजेंसी जब किसी नेता या किसी गिरफ्तार हो जाना को आपने कोई छोटी सी चीज है भाई, अरे सर गिरफ्तार तो आपके हाथ में, नहीं गिरफ्तार तो एक मिनट, पुलिस जब किसी को गिरफ्तार कर लेती है, गजब महाराज बात कर रहे हैं, जब कोई गलत काम करेगा तभी तो जांच एजेंसी आपके गिरेबान तक पहुंचती है ना आनंद भाई साहब। अरे आप रेस्क्यू के लिए जा सकते हैं कोर्ट में बोलने का मौका दीजिए। अभी आप शुरुआत में यही कह रहे थे, मैं राजनीति खेल है परसेप्शन का, छवि का, जिस प्रकार से, और अगर आपको आपकी छवि को बेदाग रखना है तो ये आपके हाथ में है, मैं इसमें और कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रधान महेश साहब से, आनंद दुबे साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, नवाब मलिक का भविष्य क्या होगा, आज की रात उनकी कहां कटेगी, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।